प्रिय जिज्ञासु हो, आज मैं आपके समक्ष दैनिक राशि भविष्य कहने जा रहा हूँ। उसके पूर्व आज का पंचांग कैसा रहेगा वो दर्शा रहा हूँ। आज दिनांक 8 तारीख है और दिन रविवार है, शनिवार। आज दिनांक 8 शनिवार, महीना अगस्त 2020। आज की तिथि पंचमी है और दिन शनिवार है और नक्षत्र उत्तराभाद्रपद है, धृति योग है। आज राहु काल 9 बजे से प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इस प्रकार आज का पंचांग है। धृति योग जो है, धृति योग का अर्थ होता है धैर्य धारण करना, और धैर्य धारण करने से बहुत से अनेक कार्य शुद्ध होते हैं। कोई भी मजबूती के साथ कोई कार्य करना, उसके लिए आज का दिन सबसे अच्छा है। गहरी नींव से काम करें, एक तो शनिवार स्थाई है और धृति योग, ये दोनों प्रकार से आज का दिन अच्छा है। जो कठोर कार्य करने वाले हैं उनके लिए आज का अच्छा दिन है। आज का जो चंद्रमा है वो मीन राशि का है। इस प्रकार से आज का पंचांग बतलाया। अब राशि भविष्य प्रत्येक राशि का बताने जा रहा हूँ। मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। प्रथम दृष्टि से तो यह है, मेष राशि वालों के लिए एक अधिक खर्चीला दिन है। आज विशेष खर्च होगा, नहीं चाहते हुए भी चाह खर्च करना पड़ेगा। इस प्रकार से खर्च का दिन सुदृढ़ बना हुआ है। खर्च के साथ साथ में आपके भाग्य वृद्धि का दिन भी है। यहाँ खर्च हो रहा है लेकिन आय भी बढ़ रही है। दोनों प्रकार का मिला जुला फल आज के दिन आपको मिलने वाला है। भाग्य का विकास भी होना है, आध्यात्मिक आपको क्रियाएं होंगी, धार्मिक कार्य होंगे और ज्ञान संपन्नता की ओर अग्रसर होंगे। जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के लिए पढ़ाई लिखाई में जो बाधाएं दूर होंगी और आपका जो है सो प्रेम संबंधों के मामले में भी प्रगाढ़ता आएगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका स्वभाव भी अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व भी अच्छा रहेगा। और आपके जो है सो अपव्यय जरूर होना है लेकिन साथ साथ में आपके सुख में जरूर बाधा है। यानी आप इतने व्यस्त रहेंगे कि आपको बेचैनी रहेगी, इतनी व्यस्तता कार्यों की बढ़ जाएगी। साथ साथ में आपके पत्नी से संबंधित थोड़ा सा मनमुटाव आ सकता है, धैर्य धारण करें। और आपका जो है सुख में बाधा तो है ही, साथ साथ में आपके कर्म क्षेत्र में जरूर एक अच्छी उत्थान का समय आ रहा है। गवर्नमेंट से लगे हुए व्यक्तियों के लिए उत्तम है नौकरी पेशा के लिए। इस प्रकार से मेष राशि का बताया। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए एकादशे सर्वलाभम, 11वां चंद्रमा है, विशेष लाभ का समय है आज का वृषभ राशि वालों के लिए। लेकिन सबसे साथ साथ में आपके जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव जो है सो आपके लिए ठीक नहीं है, इसका ध्यान रखना है। क्यों, गुरु आपके अष्टम हैं, अष्टम गुरु जब आते हैं तो थोड़ा कष्टप्रद होते हैं, तो लीवर से संबंधित पाचन तत्व में थोड़ी आज गड़बड़ी हो सकती है और साथ साथ में आपको लीवर में कुछ परेशानी हो सकती है, इसका ध्यान रखना है। और बड़े बुजुर्गों को सम्मान करें, मान मर्याद ध्यान रखें, उनका मान भंग ना करें। ये आप ये करेंगे तो आपको ये आज का दिन अच्छा रहेगा। साथ साथ में आपको लाभ मार्ग जो है सो आपका जो है खर्च मार्ग जो है अच्छे कार्यों में भी होगा और धन कुटुंब से संबंधित धन का योग आयाम नए जुड़ने वाले हैं, धन का सुख आपको अच्छा मिलने वाला है। साथ साथ में आपके जो है भाग्य स्थान पर आपके जो है शनिदेव विराजमान हैं, वो
पीड़ित हो रहे हैं, भाग्य को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, जहां आपको प्राप्त होना है वहीं आपको नुकसान कर रहे हैं, इतना ही ध्यान रखना है। रोग और शत्रुओं का विनाश कर रहे हैं, शत्रु जो है तो आपको अपने आप कष्ट दूर होंगे शत्रुओं का, और ऋण मुक्ति का भी समय है और ऋण देने का भी समय है। एक जगह आपको ऋण मिल रहा है, दूसरी जगह ऋण को चुका रहे हैं, दोनों प्रकार का मिला जुला फल दिख रहा है वृषभ राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा कि आपके जो तो मिथुन राशि वालों के लिए दसवें कर्म ईप्सितम कर्म स्थान में कोई अच्छी उन्नति होना है। कर्म स्थान में एक सुंदर तरीके से तौर तरीके से आप कर्म करने जा रहे हैं, कलात्मक उसमें आपको लाभ का योग भी दिख रहा है, और उसके साथ साथ में आपके जो मिथुन राशि वालों के लिए धन और कुटुंब में थोड़े से व्यवधान आ रहे हैं। कुटुंब में परिवार में कुछ धन से संबंध विवाद हो सकता है एवं स्त्री जनों का सहयोग मिलेगा, पत्नी का सुख अच्छा रहेगा, पत्नी सुख अच्छा मिलन सहायता का रहेगा, साथ साथ में संतान जीवन भी उन्नत फलदायक है, रख रखाव के लिए ठीक है। अपरिचित व्यक्ति कोई मिल सकता है, उससे हानि की संभावना दिख रही है, इसलिए धोखा से थोड़ा सावधान रहना है, और साथ साथ में अच्छे मित्रों का पुराने नए रोग और पुराने शत्रु इनसे सावधान रहना है, और ये कुछ मिलन सहायता हो सकती है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इस प्रकार मिथुन राशि वालों को आज का दिन रहेगा। अब कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए आज जो है सो दसम स्थान पर शनिदेव विराजमान हैं, दसम स्थान पर या तो अपव्यय करा रहे हैं, सुख में बाधा पहुंचा रहे हैं, पत्नी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, इस प्रकार का आज का दिन शनि महाराज कर रहे हैं। और आपके जो नवमे भाग्य वृद्धिश्चय, नवमे भाग में यानी धनु राशि पर चल रहे हैं गुरुदेव, गुरु देव जब धनु राशि पर चल रहे हैं तो यहाँ से हुए छठवें, आपकी राशि से छठवें स्थान पर हैं, तो यहाँ पर भी गुरुदेव जैसे लीवर से थोड़ा परेशानी कर सकते हैं, शरीर व्याधि हो सकती, पिंडली में दर्द और कमर में दर्द होगा। इस प्रकार का आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। साथ साथ में आपके जो सूर्य देव हैं अपनी राशि पर चल रहे हैं, वो पत्नी के स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, ऊष्मा पैदा कर रहे हैं, और व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा उत्तम दिन है, नौकरी पेशा वालों के लिए भी अच्छा है, सरकारी नौकरी वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार का मिला जुला फल देने वाला कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सबसे अच्छा क्या रहेगा कि छठवें स्थान पर चंद्रमा चल रहे हैं, छठ में चंद्रमा आपके लिए थोड़े से परेशानी युक्त हो सकते हैं, अष्टम चल रहे हैं, अष्टम चंद्रमा है, अष्टमी मरण ध्रुवम यानी अष्टम चंद्रमा जो है सो थोड़ा परेशानी पूर्ण रहेंगे, और गुरुदेव आपके लिए उत्तम फलदायक है, भाग्य वृद्धि का सूचक है, नया भाग्य नया लोगों से मिलन होगा, मेहमानों का स्वागत होगा, उसमें आपको उन्नति भी होगी, और संत महात्माओं का ब्राह्मणों की कृपा पात्र आप बने रहेंगे, भक्ति साधना पूजन में आपका मन लगेगा, और अनेक प्रकार से लाभ के योग अचानक आ सकते हैं। इस प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन जो है सप्तमी राज सम्मानम, आपको सम्मान प्राप्त होगा, कहीं से भी जो है सो अच्छे लोग मिलन होता रहेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ पर सम्मान रहेगा, मान मर्यादाएं रहेंगी और आपकी इज्जत बढ़ेगी, और जो ऐसा कार्य आप करेंगे जिस कार्य को कभी नहीं किया ऐसा अच्छा कार्य करेंगे जो लोग प्रशंसा करेंगे, प्रशंसनीय कार्य आप करेंगे, और आपके गुरुदेव आपकी जो है सो मकर राशि से चौथे
कन्या राशि से चौथे गुरु चल रहे हैं, ये चतुर्थ गुरु क्या कर रहे हैं? चतुर्थ गुरु आपके सुख में बाधा पहुंचाते हैं और अच्छे कार्यों में खर्च कराते हैं, कर्म क्षेत्र में विकास कराते हैं। और पंचम शनि क्या करा रहे हैं? पत्नी का स्वास्थ्य बिगाड़ा है, स्वभाव बिगाड़ रहे हैं, लाभ मार्ग में अवरोधक हैं और बड़े भाई से कष्ट होगा और धन कुटुंब में बाधा पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार से मिला जुला फल आपको आज की तारीख में आपको रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? तुला राशि वालों के लिए आज का दिन उत्तम है। एक तो तुला राशि वालों के लिए तीसरा गुरु है, तीसरा गुरु आपको पत्नी का सलाह से काम करना है और पत्नी की सलाह में आपको बुरा न लगना चाहिए। भाग्य वृद्धि का समय है और अच्छे कार्यों में लाभ का समय है। इस प्रकार से अच्छे कार्यों, बड़े भाइयों से भी लाभ होगा, धन लाभ के सूचक हैं। और जैसो चंद्रदेव आपकी राशि से साथ में हो रहे हैं, तुला राशि से छठ में हो रहे हैं, छठ में शनि जो है सो क्या कर, चंद्रमा क्या कर रहे हैं, छठ में चंद्रमा आपके लिए थोड़े से शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है, जो कर्जदार हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। इस प्रकार से आज का तुला राशि वालों के लिए समय रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज पंचम चंद्रमा है, पंचमी ज्ञान वृश्चिक है, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, संतान का जो है सो बाधा दूर होगी, संतान का सुख मिलेगा और जो स्टूडेंट है उनके लिए तो परम पुनीत दिन है। और ज्ञान वृद्धि का, भक्ति साधना, ज्ञान वृद्धि, इन सब चीज़ों के लिए आज का दिन परम पुनीत एवं उत्तम है। और आपके तीसरा जो है सो वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरुदेव बहुत अच्छी कृपा बनाए रखे हैं, रोग शत्रुओं का विनाश कर रहे हैं और रोग शत्रु कर्म क्षेत्र में जो बाधा पड़ी थी वो आज दूर होने वाली है। तो कर्म क्षेत्र के लिए बहुत उत्तम फलदायक आज का दिन है और आपके शत्रुओं का विनाश भी होगा और नए मित्र आपको नए बनेंगे और नए मित्रों से बड़ा लाभ की योजना आपकी तैयार हो रही है। इस प्रकार से वृश्चिक राशि वालों की आज का दिन बताया। धनु, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए आज जो चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ हैं, धनु मकर कुंभ और मीन चतुर्थ चंद्रमा है। चतुर्थ चंद्रमा क्या होते हैं? आपके मन मलिन रहेगा, मित्रों से सहयोग नहीं मिलेगा, माता को थोड़ा कष्ट होगा और सुख में बाधा पहुंच रही है। आज का दिन ऐसा है आपका। साथ साथ में आपके जो शनिदेव है, शनिदेव आपकी राशि से तीसरे हैं, तृतीय शनि बहुत उत्तम माने जाते हैं, इसलिए तीसरे शनि आपके लिए बकरी चल रहे हैं। आप जो कर्म कर रहे हैं उसका प्रतिफल अच्छा मिलने का योग दिख रहा है। साथ साथ में मंगल देव आपकी राशि पर ही चल रहे हैं, आपकी राशि से चतुर्थ चल रहे हैं, तो मंगल देव चतुर्थ चल रहे हैं तो श्रम से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी अच्छा फल है। नौकरी पेशा के लिए ठीक है, प्राइवेट जॉब वालों के लिए ठीक है और जिनको गवर्नमेंट का जॉब है उनके उन्नति का समय है। इस प्रकार से धनु राशि वालों को बताया। और यात्रा का योग है, ये भी बताया कि आज यात्रा आपकी सकारात्मक यात्रा होगी। साथ साथ में मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मकर कुंभ और मीन तीसरा चंद्रमा है, तृतीय एकदम पराक्रम का स्वामी है। आज आपका पराक्रम यह सो तेज रहेगा, आप लुंज पुंज नहीं रहेंगे, मेहनत का काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। उसमें सफलता के साथ में धैर्य धारण करें, आगामी समय आपका अच्छा आने वाला है और उस समय में आपका सदुपयोग होगा। इस समय आपके लिए लाभकारी समय है और चिंता की आवश्यकता नहीं है। भाई बहनों का एक परम सुख प्राप्त होने का संयोग बन रहा है, संतान के लिए भी श्रेष्ठ फलदायक है, लेकिन अनावश्यक व्यर्थ में घूमने का समय भी है, इसका ध्यान रखना है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
कुंभ राशि वालों के लिए आज द्वितीय चंद्रमा है, बोलने की आपकी आदत ज़्यादा बढ़ रही है, आज अधिक किसी से बोल देंगे तो बोलने की आदत है। साथ साथ में आपका जो तो भाग्य वृद्धि में कुछ अवरोधक बने हुए हैं, कुछ लोग आपके भाग्य वृद्धि में अवरोधक हैं और खर्च की मात्रा और आय की मात्रा दोनों बराबर होती है, लेकिन आय अधिक होगी, आज आपको आय का अच्छा दिन है कुंभ राशि वालों के लिए। इस प्रकार से आज का दिन लाभकारी सिद्ध होगा और कोई पुरानी वस्तु जो है सो प्राप्ति का योग है, और इस प्रकार से आपके पुरानी वस्तु प्राप्ति से आपको हर्ष उल्लास होगा, ऋण मुक्ति का योग है, इस प्रकार से कुंभ राशि वालों के लिए बताया। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आद्या चंद्र श्रिया कुरियात, आपको लक्ष्मी प्राप्ति का भी समय है, स्थायी प्रॉपर्टी रहेगी, पत्नी का सुख सहयोग मिलेगा, संतान की बाधा दूर होगी और आपके माता पिता भाई बहन बंधुओं के लिए कुटुंब परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि का भी समय है। खास करके आपको कष्ट क्या होगा, आप उदर वृत्ति से उदर रोग से थोड़ा सावधान रहना है, उदर रोग आपको आज परेशान कर सकता है और सिरोवेदना सिर की पीड़ा भी हो सकती है, इसका भी ध्यान रखना है। इस प्रकार मिला जुला मीन राशि वालों के लिए फल आज का रहेगा। मैं मंगल कामना करता हूँ कि आज का दिन आपको मंगलमय बीते, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ।